गौनाहा प्रखंड के दोमाट पंचायत अंतर्गत महायोगीन गांव के समीप सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक सोफा मंदिर की स्थापना के विषय में श्रद्धालुओं और इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। इस मंदिर को हेतु कुंवरगढ़ के नाम से जाना जाता है। सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक सोफा मंदिर वर्तमान समय में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सोफा मंदिर में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के आगमन के बाद से बिहार के रमणीक स्थानों के रूप में मानचित्र पर आ गया, लेकिन धरातल पर टाइटाइफिस है। महायोगी गांव के समीप सोफा मंदिर की रमणीक प्राकृतिक दृश्य, नदियां और जंगली पशुओं का आगमन रोमांच। गौनाहा प्रखंड के दोमाट पंचायत अंतर्गत महायोगीन गांव के समीप सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक सोफा मंदिर की स्थापना के विषय में श्रद्धालुओं और इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। इस मंदिर को हेतु कुंवरगढ़ के नाम से जाना जाता है। सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक सोफा मंदिर वर्तमान समय में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सोफा मंदिर में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के आगमन के बाद से बिहार के रमणीक स्थानों के रूप में मानचित्र पर आ गया, लेकिन धरातल पर टाइटाइफिस है। महायोगी गांव के समीप सोफा मंदिर की रमणीक प्राकृतिक दृश्य, नदियां और जंगली पशुओं का आगमन रोमांच। गौनाहा प्रखंड के दोमाट पंचायत अंतर्गत महायोगीन गांव के समीप सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक सोफा मंदिर की स्थापना के विषय में श्रद्धालुओं और इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। इस मंदिर को हेतु कुंवरगढ़ के नाम से जाना जाता है। सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक सोफा मंदिर वर्तमान समय में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सोफा मंदिर में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के आगमन के बाद से बिहार के रमणीक स्थानों के रूप में मानचित्र पर आ गया, लेकिन धरातल पर टाइटाइफिस है। महायोगी गांव के समीप सोफा मंदिर की रमणीक प्राकृतिक दृश्य, नदियां और जंगली पशुओं का आगमन रोमांच।